हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुकनी, यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। और आज ड्रामा गप में हमारे पास एक बहुत ही मनमोहनी सी, बहुत ही खूबसूरत सी, मज़े की और गेस्ट हैं हमारे साथ। और आजकल वो जलन में, पहले हमें उन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, दुख हो रहा था, और आजकल हम उनकी रोमांटिक स्टोरी को बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, हम सब, आप भी और मैं भी थोड़ा बहुत, विद फ्यू रिजर्वेशंस। तो आज मेरे साथ हैं हाजरा यामी। Hello. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Thank you so much for having me. Yaad 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 teri naal naal rehna. क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। कैन यू सी, हमारी थोड़ी सी मैचिंग भी हो रही है। मैं लाइट शेड पहना हुआ है, आपने सेम फैमिली? सेम फैमिली। एंड मैं जब हाजिर आई तो मैं उनको बताई थी कि मैं आपसे बहुत जेलस हो रही हूँ, नॉट जलन वाली जलन, और वो इसलिए बिकॉज ऑफ अ हेयर, कि आप बस उठ के कहीं भी किसी वक्त भी जा सकती हैं ना। मुझे तो मेरे बाल बहुत फ्रिजी और बहुत वो हैं, वेवी हैं, तो मुझे पहले पूरा स्ट्रेट करना पड़ता है, फिर देखूं कि सही है। ऐसे नहीं उठ के जा सकती मैं। आई जस्ट हैव टू डू अ बिट ऑफ अ रॉक एंड रोल विद देम एंड आई एम गुड टू गो। सो आई एम रियली जेलस एंड माशाल्लाह माशाल्लाह यू कैरी देम सो वेल। सो डू यू एक्सपेरिमेंट, कभी क्लिप लगा लिया बाल बांधने या क्या? बहुत बहुत, बिकॉज सो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक आई, सो हियर इज द थिंग, लोगों को लगता है कि आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट माई हेयर। आई एम नॉट, आई वॉन्ट टू चेंज इट, आई वॉन्ट टू कलर इट, आई वॉन्ट टू स्ट्रेटन इट, but production houses and directors end up wanting to you know, they want me to work in the same hair, so wo bas thoda sa ho jata hai, otherwise I don't mind versatility, I like it but abhi tak mauka nahi mila, so let's but acha hai na, you stand out among all the straight shiny hair. Ha, wo ek prerequisite set ho gaya hai ke you know, neat all the time, picture perfect all the time. Yeah. I think wo thoda overrated hai, usse nikalna chahiye. अच्छा, मुझे ये बताएं, जब वो जब जलन शुरू हुआ तो फिर हाफ़े बड़ा लोगों ने, वो सारी क्रिटिक्स भी इंक्लूडिंग मी एंड यू नो, और बहुत से और लोग भी, ऑडियंसेस भी लोग बोल रहे थे, यार ये अरीज कुछ बोलती क्यों नहीं है, अरीज क्यों करिए। तब आप सोच रही होती थी कि यार बेटा वेट करो, थोड़ी और एपिसोड्स गुजरने, तो फिर तुम सब के मुँह, तुम सब चुप कर जाओगे, फिर मेरा जो कम बैक होगा। उस वक्त सोच रही थी क्या चल रहा था? वेरी ऑनेस्ट विद यू, मतलब आई वॉज एज ब्लाइंड ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस एज यू वर, क्योंकि स्क्रिप्ट एट टाइम साथ साथ लिखा जा रहा होता है, और मैं जिस दिन मैं कास्ट हुई थी उससे अगले दिन मेरा शूट शुरू था। सो आई हैव अ रियली गुड रिलेशनशिप विद बिग बैंग, और आबिस भाई के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा है, और फहद एंड आई वी एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर फॉर टीवी बैक इन 2015 और 16 आई गेस। तो वो एक बहुत मजे की इक्वेशन बन गई थी, इट वाज एक्चुअली अ गेस्ट अपीयरेंस। तो मैंने कहा ठीक है, आई डोंट माइंड, कुछ ही दिनों का काम है, मैं आ जाती हूँ। और ये काम जो है फरवरी में ख़त्म हो गया था मेरा, और आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू योर कैप्टन ऑफ द शिप। सो आई नो कि सारी जो स्टोरी टेलिंग होती है ना, वो उनके हाथ में होती है। तो मुझे पता था कि यार मैं चुप करके बस अपना काम करके निकल जाऊंगी, आबिस भाई विल टेक केयर ऑफ इट। और मैंने कहा यार आई एम फ्री नाउ डेज, यू नो, तो It'll just be a treat working with a team I'm familiar with. और अब कैसा लग रहा है जब? और अब मतलब मैं तो देख भी नहीं रही थी यार, और एकदम से like one fine morning I wake up and I'm getting all of these calls and messages. मैंने कहा क्या, अभी तो मेरा कोई और ड्रामा चल रही है, response किसका आ रहा है, what's happening? तो बस फिर I called Abhis bhai and he was like I told you to wait and watch. मैंने कहा सही है। उसके बाद फिर they added more days, shooting days. तो फिर बस अच्छा, तो कुछ सीन आप लोगों ने और ऐड किए? अभी की जो एपिसोड्स में आए हैं जितने भी सीन्स, ये अभी शूट हुए हैं। ओह नाइस। तो दे कॉल्ड मी अगेन कि आ जाओ, व्हिच आई थिंक वाज अ गुड आईडिया, बिकॉज हम चाहते थे कि हम अरीज के साथ अच्छा होते हुए देखें और अहमर के दिल को भी मरहम, उसके दिल पे भी मरहम रख दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा हुआ कि वो किया, and of course the love story is going, it's making everybody crazy. हमने पोस्ट डाली कि भाई आप लोग क्यों देख रहे हैं, एमर और अरीज की लव स्टोरी या फिर निशा का अंजाम? तो ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया, we want to see एमर and अरीज, because who does not want to see something that's happy and lovely? Although I do think that Jalan is a one woman show run by Minal, run by Nisha, it is a one woman show, and I think I honestly admire her work usme. And it takes guts for any actress to receive the sort of a backlash that Minal has received, honestly. That's true. That is true. And she took it very gracefully. Sahi baat hai, and I don't think she deserved it. She did not. She did not deserve it. That's the thing. Hamari jo audience hai, wo bhool jate hain ki we're actresses. Hum jo kaam kar rahe hain, hum wo asli zindagi mein nahi hain.
और दूसरी बात ये है कि आप ये बोल सकते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया एज एन एक्टर आपने ये कैरेक्टर करने का, थोड़ा सा बोलें जैसे मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन आप ये थोड़ी कि आप उन पे बम्बार्डमेंट ही कर दें कि उनको टू द पॉइंट दैट यू गेट पर्सनल, या एग्जैक्टली, सो दैट्स जस्ट नॉट फेयर, वेरी मीन. लेकिन अरीज चुप क्यों थी शुरू में, उसको किस बात की उम्मीद ने उसको इतनी देर? अच्छा, मुझे भी बहुत मसला था इस चीज से और मेरी लड़ाइयां होती थी फहद से भी, डायरेक्टर से भी, कि यार ये क्या है, व्हाई इजंट शी सेइंग, बिकॉज हाजरा वुडंट टेक इट बट अपेरेंटली अरीज वुड. तो मैंने कहा ठीक है यार, कैरेक्टर है, करते हैं. करते 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 फिर जब वो सीन आया ना, जब वो मिनाल को का जो कैरेक्टर है निशा, उनको उसको वो देखती है ट्रैवल करके जब जाती है उससे मिलने अहमर से, तब जो वो जब मैंने जो वो बिल्डअप हुआ हुआ था उस सीन के लिए, देन आई वाज लाइक अच्छा अब सारे पीसेस जो है ना पजल में फिट हो गए हैं. कि अब जो है वो दिखाया हुआ कि अच्छा अरीज इज ह्यूमन, शी कैन लूज इट, शी कैन लाइक एग्जैक्टली. सो आई एंड देन द डायरेक्टर गेव मी लाइक अ खुला हाथ, जो करना है करो. तो मैंने, तो चैलेंज क्या था, कोई मुश्किल सीन था, चैलेंज था मेरे लिए? यही बहुत मुश्किल था कि जो है एज पर्सनली मुझे लगता है कि कोई इस तरह की ट्रीटमेंट कैसे बर्दाश्त कर सकता है. मेरे लिए यही बहुत मुश्किल था, बिकॉज कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि मैं इम्प्रोवाइज करते करते कुछ आगे से फहद को बोल देती थी और वो दोबारा सारा सीन होता था. एक साबित भाई कहते थे क्या करें, यू आर नॉट हाजरा, यू आर अरीज. ओके फाइन. तो ये मेरे लिए, मेरा मुंह बंद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मुश्किल हो जाता. बट आपकी और फहद की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, so how did you guys work on it? Kuch aisa tha kuch pehle baith ke? It was so natural. We're just really good friends. Jab lad rahe the tab bhi bada natural tha, aur ab jab mohabbat ho rahi hai tab bhi bada. We're just really good friends and he bullies me. Really? 2015 se leke aaj tak Fahad Sheikh bullies me, but I love him. How does he bully you? Are wo pyar wala. क्या करते, क्या एग्जांपल बताएं कुछ? मतलब के एक बार तो उसने मुझे रुलाया भी था. सीरियसली, ये किस्सा तो जरूर सुनना है. दिस इज बैक इन 2015. आई रिमेम्बर वी वर ऑल डूइंग अ सोप, मैं, फहद, नतालिया, ऑल ऑफ अस, और फहद जो है, और मेरा कैरेक्टर उसमें ना रोने धोने टाइप ही था. तो फहद इसी तरह की बातें, असल में भी तुम्हारी ऐसी शक्ल होगी, ये वो, और इतना वो मुझे तंग करता था कि वन फाइन डे आई जस्ट, यू नो, मेरी आंखों से ना आंसू निकलना शुरू हो गया. फहद, नो, आई डोंट लाइक यू. बट लेकिन वो इतने प्यार से करते, मुझे इतनी आदत हो गई कि वो अब नहीं करता ना तो मेरा दिन भी नहीं गुजरता. कि यार, तो वी आर जस्ट रियली गुड फ्रेंड्स. यू नो व्हाट ही सेड अबाउट यू इन आवर इंटरव्यू? व्हाट डिड ही से? है ना, one person that he says he wants to give credit to is you. अरे, yeah, he's like, उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे किया. ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं. नहीं, बहुत तारीफें की हुई हैं आपकी. नहीं, फहद और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अभी नाम क्या रखा भी जो हमने शॉर्ट फिल्म की थी उसमें भी, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री, और कुछ नहीं होता. जस्ट टू पीपल हु आर सो कम्फर्टेबल विद ईच अदर, और कुछ नहीं होता. कैरेक्टर्स जिस भी तरह के हों, आपके सीन्स जिस भी तरह के हों, यू शुड बी just two professional actors, yeah, you know, working together. वो वाली चीज़ है. अभी जलन में भी और नाम क्या रखा में भी देख रही हूँ आपकी अपेयरेंस बड़ी सिंपल सी है. इज इट ऑन पर्पज? मतलब एवरी डे गर्ल कैन कनेक्ट विद यू? या जलन के लिए तो स्पेशली आबिद साहब से आपकी बातचीत हुई कि मैं ऐसे रखूँगी, इस तरह रखूँगी? वेरी वेरी नॉर्मल, यू नो, कहीं भी मुझे अरीज है वो आउट ऑफ द, वो करती हुई, एग्जैजरेट करती हुई नहीं. अरीज का कैरेक्टर स्टाइल किया था मेरी जो अपनी पर्सनल स्टाइलिस्ट है अनिला, उन्होंने. और दैट्स द थिंग अबाउट हर, कि उनका जो गोल है वो यही होता है कि टू मेक द कैरेक्टर अप्रोचेबल फॉर द नॉर्मल एवरीडे गर्ल. मतलब व्हाई, क्यों आप एक ऐसा इमेज बनाओ कि कोई आपसे रिलेट ही ना कर पाए? वो वाली चीज़ है. प्लस आई डोंट लाइक टू डू अ लॉट ऑफ मेकअप ऑन स्क्रीन, बिकॉज अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होगी कि एक एक चीज़ पकड़ी जाती है, और वो सीन्स जहर लगते हैं व्हेन यू वेक अप विद सो मच मेकअप ऑन योर फेस, यू नो, लाइक, ओह, आई वेक अप लाइक दिस, लैशेस भी कर्ली, सब कुछ लगा हुआ. तो ये है कि वो आबिद भाई खुद भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते थे कि जैक्सन जो है हमारा मेकअप आर्टिस्ट, वो तो मेरे फेस पे मिनाल की भी लाइक वो नहीं करता था मेकअप. वो आबिद भाई यूज टू कंट्रोल इट, यूज टू सी वेरी थरली कि अच्छा किसके मुंह पे ज्यादा मेकअप हुआ है, कम करो जाके. आपका और मिनाल का जो फेस ऑफ है, निशा का और अरीज का, वो कैसे है? उसमें क्या कोई फनी चीज हुई, आराम से हो गया था, या कुछ आप लोग, बिकॉज यू नो, सेट पे बातचीत भी, फ्रेंड्स भी, सो द थिंग इज कि मिनाल इज सच अ सिक्योर एक्ट्रेस, कि जो है आई लर्न सो मच फ्रॉम हर. और मैंने टीवी 2015 में शुरू किया है, आई हैव बीन डूइंग थिएटर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो आई स्टिल एट टाइम्स मुझे होता है कि यार अच्छा कहाँ से क्या करना है, एंगल्स वगैरह ना.
So she was just so supportive throughout, and you honestly, you don't come across a lot of people who are, you know, very secure in their own skin. Yeah. And she is. तो उस हिसाब से हम सबका जो था इतना अच्छा रहा एंड ऑल और पूरा जो सेट की वाइब होती है ना बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द कैप्टन ऑफ योर शिप सो वर्किंग विद आबिद भाई इज अ ट्रीट दैट वे कि ही जस्ट सेट्स अ वाइब लेकिन कोई फनी अगर वाकया हुआ कोई दो तीन दफा रिपीट करना पड़ा सीन को ये तो बहुत बार हुआ एक्चुअली जब हम लोग शूट कर रहे थे इसके लिए तो जनवरी फरवरी इसी साल का जनवरी था आई थिंक और पिछले साल का दिसंबर तो वो फ्लू फैला हुआ था ये नॉट कोविड बट रेगुलर फ्लू और मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे बहुत ज़्यादा कंजेस्शन थी और आई वॉज एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद डायलॉग्स बहुत ज़्यादा कुछ सीन्स में तो आया भी है कि आई हैव अ क्लॉग्ड यू नो मेरे सारा जो है सिस्टम इज क्लॉग्ड इज कंजेस्टेड तो वो थोड़ा इशू हुआ था बीच में और उसी को जो है ना वो आबिद भाई यूज्ड टू मेक अस फील सो कंफर्टेबल कि वो आगे ही वुड यू नो ही वुड मसाज माय फेस यू नो अब ये सब ठीक हो जाएगा और उस हिसाब से कोई प्रेशर नहीं था तो इट वाज अ वेरी गुड वाइब्स वाला सेट जब जलन पे इतनी कंट्रोवर्सी आ रही थी इतनी बैकलैश आ रही थी आई नो आपका गेस्ट अपीयरेंस है लेकिन प्रोजेक्ट तो है आपका हाँ हाँ तो आपको कैसा फील हो रहा था उस वक्त you're talking about the banning culture. The ban and also वैसे भी generally भी बहुत conversations हो रही हैं. To be honest with you, मुझे सिर्फ ये issue है कि इस जलन पे आप लोग को ये issue हो रहा है. What about those dramas where you make heroes out of rapists? Yeah. What about those? उस पे क्यों नहीं ban करते? बिल्कुल. उस पे क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाता? उस पे क्यों हमारी आवाम को और हमारे जितने भी लोग ये control कर रहे हैं, उस पे क्यों सबकी ego इतनी boost होती है? उस पर क्यों सारे इतना यू नो खुश होकर देखते हैं जब कोई वायलेंट चीज़ आती है जब कोई अग्रेसिव कंटेंट चल रहा होता है तो हमारे जो है काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी खुशी से देख रहे होते हैं एंड आई वंडर व्हाई कि हम एज अ नेशन व्हाई हम इतने यू नो शिद्दत पसंद क्यों है तशद्दुद पसंद क्यों है हम कि जो हम इस तरह का कॉन्टेंट हम बर्दाश्त करते हैं सो आई थिंक जलन वॉज अ वेरी हार्मलेस थिंग इट वॉज अ स्टोरी इट वॉज जस्ट अ स्टोरी एक घर की कहानी थी वो निशा इज़ जस्ट अ कैरेक्टर और उसने बहुत बखूबी निभाया सो अगर बैनिंग कल्चर अगर आपने अप्लाई करना है तो उन चीज़ों पे करें जिस पे बनता है नॉट ऑन थिंग्स दैट आर हार्मलेस आपका मैंने बड़ा नोट किया है आप बड़ी आँखों से एक्सप्रेशन से अपने ना मोर देन द डायलॉग आई फील यू यूज़ अपने जो फेस के एक्सप्रेशन और जेस्चर्स लाइक वो सीन है जिसमें अहमर निशा के कमरे में होता है वो निकलता है एंड देन you know in front of him aur aap kuch bolti hai to wo kehta kuch bolta hai jisse you know kind of romantic cheez bolta hai and you play that girl jisko ekdam se achanak se romance ka you know ikrar mil jaye aur romance ka ikrar mil jaye usko samajh nahi aaye kaise and I like that you do this and you like you know so how you do it on purpose because maine naam kya rakha mein bhi yahi baat aapki badi note ki which I really appreciated thank you a lot of things jo dialogue ke bagair aap communicate kar rahi hoti hain so ye kya hajra ka style है या ये डायरेक्टर से आ रहा था यार ये सबसे पहली चीज़ तो ये आबिद भाई पूरी कमेंट्री कर रहे होते हैं ओके पीछे अच्छा सो ही गाइडेड यू इन दिस हाँ वो प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं और मैं जैसे मेरे एक डायरेक्टर हैं वो मुझे भूखी अदाकारा बोलते हैं कि तुम्हें भूखी एक्टर हो जो ढूंढती है स्पेस किसी ना किसी तरीके से काम करने की तो एक तो वो भी है और एंड आई लव टू एक्सपेरिमेंट और इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थिएटर ट्रेनिंग का भी हाथ है तो क्योंकि उसमें जब मैं शुरू में टीवी करना शुरू हुई थी तो उनको एक्चुअली मुझे थोड़ा टेम करना पड़ता कि हाजरा इतना लाउड ना आओगे कि मेरी आवाज़ बहुत बड़ी हो जाती थी मेरी बॉडी लैंग्वेज फ्रेम से बाहर जा रही होती थी तो उस चीज़ पे जो है मुझे काम करना पड़ा तो ये थोड़ी टेम हो गई है तो आई थिंक ये वही ट्रेनिंग है जो अभी तक चल रही है पार्टली द रीज़न वाई आई गो बैक टू थिएटर एवरी नाउ एंड देन क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है सो आई थिंक दैट्स अबाउट प्लस टीवी इतना क्लोज का मीडियम है ना वो तो उसमें एक आपको कोशिश करनी पड़ती है यू हैव टू डू योर होमवर्क कि आप किस लाइन पे आप क्या कर सकते हो आपको एक चीज़ की 10 वेरिएशंस निकालनी पड़ती है एज एन एक्टर घर से काम करके उसके ऊपर के क्या करना है वो वाली चीज़ है आबिद साहब ने काफ़ी आपको बहुत ये और ये कराने में डेफिनेटली अरीज जो है पहला प्यार बड़ी मुश्किल से निकलता है दिल से तो वो क्या हमेशा इनसिक्योर रहेगी उसको हर वक्त ज़रूरत पड़ेगी कि अमर उसे कंफर्म कराता रहे कि भाई सो
She's not insecure. More than क्योंकि insecure होना जो है it's really not a good thing. I do take it as a negative emotion. क्योंकि insecurity के ज़्यादातर emotions negatives ही हैं, negatives में ही आते हैं. Insecurity जो मैं जो है ना आप दूसरे को hurt कर जाते हो. Okay. Insecurity at times, especially relationships में जो है ना आप अगले बंदे के ऊपर डाल देते हो कि ये तुम्हारी वजह से I'm feeling like this. Whereas Areej ने ऐसा कभी नहीं कहा. She has never blatantly accused Ahmed. उस तरह it's just in that scene. वरना अगर आप everyday life में देखो तो she took the dive. उसने jump मार दी कि यार ये वो बंदा है जो मुझसे प्यार नहीं करता लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ. सो शी सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेड हिम विद ऑल ऑफ हिज एटीट्यूड द एंटायर डील. उसने वो सारी उस तरह से एक्सेप्ट की. तो अभी भी अगर आप देखो ना शी इज़ प्रोटेक्टिंग अहमर फ्रॉम निशा. आगे वाले सीन्स में भी आप देखोगे जब भी हमने रिसेंटली वो किए हैं कि अब वो वही जिस तरह उस सीन में भी उसने कहा कि अहमर को अगर कुछ किया तो मैं जान से भी मार सकती हूँ. सो इट्स नॉट अबाउट निशा. It's about Ahmer. She loves him. She wants to protect him. क्योंकि वो वाली चीज़ है ना कि इतनी मुश्किलों से आपको एक चीज़ मिली है और एक अपनाइयत वाली चीज़ आ गई है. सबसे बड़ी चीज़ हम सबके लिए क्या होती है? अनकंडीशनल लव. ऑफ कोर्स वो मिल गया उसको. एक दोनों को एक दूसरे से वो मिल रहा है तो शी डजंट वांट टू लूज इट. लेकिन बड़ी अहमर की ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट हुई है क्या? अरीज को उस पर यकीन भी करना चाहिए. The thing is के I just feel sorry I'm cutting you. कि अगर वो ये कहता ना अरीज को कि मुझ जब वो कोई बात होती है तो वो कुछ जब दोनों बैठे होते हैं तो वो कहता नहीं मैं तुमसे मोहब्बत तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो और फिर वो कहता नहीं मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ. यू नो वो बड़ा ड्रामेटिक और रोमांटिक सा. सो मुझे लगा कि अगर वो ये कहता कि हाँ मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो मतलब it's a slow progression that they would have shown. वो ज़्यादा realistic वो लगता. so इसलिए मुझे है कि एकदम से इतने extreme रवैये से वो extreme रवैया reach trust कर सकती है उसपे. I think ये मेरा अपना personal point of view है कि there was only one thing that Emmer's character was waiting for and that was some sort of an ownership from anyone who loves him. so I think Areej number one gave him that ownership. And also the fact के अभी देखा कि वो जो transition थी वो it was very slow and gradual. नहीं मुझे तो बहुत drastic लगी. मुझे और बहुत से audiences को भी I read his review पढ़े तो वो जब because वो land भी करता है तो वो Areej के साथ बुराई कर रहा है. हाँ हाँ ठीक है. वो फोन भी कर रही है तो वो बुराई कर रहा है. लेकिन जब वो पहुंच जाती है तो फिर और निशा की जब वो हालत देख लेता है कि क्या हो रहा है उसके साथ तो फिर एकदम से overnight transformation होती है. I think it's after that scene जब Areej आती है she lands there और इनका पूरा showdown होता है उसके बाद एक चेंज शुरू होता है अहमर के कैरेक्टर में. बहुत जल्दी ना वो एक हफ्ते में ही मोहब्बत लेकिन एक हफ्ता भी शायद नहीं हुआ नहीं चिकन कॉर्न सूप पीते हुए. okay, now you've given me some food for thought. I'll think over it. I will. क्योंकि वो जो ownership वाली बात है ना, I feel Areej तो बहुत अरसे से ownership कर रही थी but not because she was always the you know कि उसके ऊपर से चल के चला जाए कोई भी वो वाली मतलब she wasn't ever taking the upper hand. she was never on the driving seat. so now Areej is driving the car. वो तो Areej का patience आ गया. उसने कहा भाई अब मैं जा रही हूँ. अब नहीं. you know now I've had enough. Yeah. I'm not your puppet anymore. तो उसके बाद फिर उसने कहा कि यार अब ये बात मुझ तक नहीं रही. Now there is another person I see in the equation. So अब तो it's now or never. वो वाली चीज़ है. तो हाँ मतलब I think Areej का भी तब निकला जब एक तीसरा इंसान आया था equation में. और but yeah you've kind of gotten me there. और I've gotten it there. Now I should ask my main question. oh yes, what's up? नहीं आई जस्ट फील के Areej कौन है. Areej रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल देसी गर्ल हु लिव्स इन पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश. ये कौन है Areej? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम Areej के थ्रू? Areej एक उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रही. शी इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ मास. मैं ये नहीं और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि शी इज़ रिप्रेजेंटिंग यू नो अ सॉर्ट ऑफ अ नीश. इस तरह की भी चीज़ नहीं है. शी इज़ जस्ट अ गर्ल हु इज़ इन लव हु इज़ ब्लाइंडली इन लव. और वो because women like us cannot really resonate with that. yeah kyunki you know main bhi yahi kahungi ki agar mujhe Areej jaisa koi character asli zindagi mein milega to main use kahungi ki yaar chill kar bhai like chill out like you love the guy but you can get over him. don't
Like, if you want to cry, cry over work, cry over your profession, cry over your failures, but don't cry over a boy. Come on. So, which is why women like us don't really resonate with that. But Areej comes from, you know, she is a girl who is in love. और हमारे लिए वो एलियन रहेगा बट टू बी ऑनेस्ट विद यू इफ आई थिंक ऑफ माई सेल्फ बैक इन द टीन एज डेज बैक व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड व्हेन आई थॉट आई वाज इन लव एंड देन ब्रेकअप हो गया और फिर मैं ऐसे रोई जैसे जिंदगी में दोबारा कभी प्यार नहीं होगा तो आई थिंक इफ आई लुक बैक एट माई सेल्फ देन तो शायद Areej इज अ सॉर्ट ऑफ गर्ल जो उससे बाहर नहीं निकली है आई हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट टीनेज गर्ल मैं उससे निकल आई टू द पॉइंट कि आई कांट कनेक्ट विद हर एनीमोर अगर मैं होती तो मैं उस हाजरा को थप्पड़ मारती कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू यू नो पर मुझे लगता है Areej थोड़ी थोड़ी बहुत सी लड़कियों का जब वो कहते हैं ना पागल में अंधे हो जाते हैं पागल में अंधापन हो जाता है कुछ भी करने को तो Areej का मुझे ये एस्पेक्ट बहुत सी लड़कियों से कनेक्ट करता हुआ स्पेशली इस एज पे जब हम कहते हैं वो हो सकता है यू आर एब्सोल्युटली राइट सो आपने आपके मैं इंटरव्यू देख रही थी एक था I always hear producers say that the reason they show repetitive victimization of women as well as emotional and physical abuse on women is because the audiences asks for it. Yes. I feel like this is an excuse that is used to avoid the problem at hand and it further stops them from resolving the issue. Yes. So my two questions. आप कैसे इंश्योर करती हैं कि आप ऐसे रोल से दूर रहें ठीक है दूसरा ये क्या Areej विक्टिमाइज नहीं थी बिल्कुल थी बिल्कुल थी और जो है विच इज़ वाई मैंने आपको बताया कि मेरा एक थ्रू आउट जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था विद द डायरेक्टर कि ये क्यों है कि जो है हम लोग इसको कहीं पे तो हम थोड़ा सा इसका दिखाएंगे कम बैक कि वो देगी एट सम पॉइंट और वो देती भी है इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड जब वो कहती भी है कि किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रहे हैं आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ लेकिन उसके बाद जो वो शादी वाली रात उसके साथ करता है और आई जस्ट फेल दैट कि एन ऑडियंसेस भी बहुत जब हम कह रहे हैं इस पे बहुत हुई ऑडियंस चाहते थे कि Areej कुछ करे क्या इतना शिद्दत से दिखाना जरूरी था एंड आई अंडरस्टैंड कि एक्टर्स ने भी तो करना है ना काम लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे आती है कहाँ क्या कर सकते हैं हाउ डू वी सॉल्व दिस इशू बिकॉज मुझे लगता है बाय शोइंग दैट हमने लड़कियों को और हमने अहमर को हीरो बना दिया है बना दिया अहमर ने बहुत गलत किया था किया तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आई ऑनेस्टली दैट्स द थिंग हमारे पास जैसे मेरे पास जब लोग आते हैं क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि आप किस तरह के स्क्रिप्ट्स अब एक्सेप्ट करती हैं नाउ इफ़ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन तो मैं ये कहूँगी कि यार अब मैं ये देखूँगी कि कौन सा डायरेक्टर ऐसा है जो लिखा हुआ है पेपर पे वो उसको किस एंगल से पकड़ेगा और वो उसको किस तरह से दिखाएगा ओके सही है और आबिस भाई ने उस चीज़ को फॉर मी इस तरह से सेव किया कि उन्होंने आगे जाके Areej का एक बिल्डअप दिखाया फॉर मी Areej एक इतना उसकी पर्सनालिटी वीक है और उसकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी जो है ओवरशैडोड है बाय स्पेशली एमर का जो एटीट्यूड है उससे कि आगे जाके Areej का जो आउटबर्स्ट आया उसमें फॉर मी वो थोड़ा बहुत जस्टिफाई हो गया बट थैंक गॉड हो गया अगर वो जस्टिफाई ना हुआ होता अगर वो आउटबर्स्ट ना हुआ होता तो मैं अभी आपको कह रही होती कि हाँ आई एम अगेंस्ट इट इट took her some time लेकिन वो पहुंची वहां तक took her some time बट वो पहुंची वहां पे because keep in mind we're talking about a girl जिसका एक्सपोजर नहीं है सही है we're talking about someone जो लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई स्टीरियोटाइप चीज़ है नो बट हम लोग वुमेन लाइक अस हम लोग निकले हम लोगों ने वी वर्क हार्ड हम लोगों ने वो एक्सपोजर अपने लिए बनाया वी आर प्रिविलेज इन अ वे कि वी हैव क्रिएटेड दिस प्रिविलेज फॉर आवरसेल्व्स इट वाजंट गिवन टू अस इन अ प्लेट ट्रू सही है इट वाज नेवर सर्व टू अस लाइक इट इज टू मेन सही है वी क्रिएटेड दिस प्रिविलेज फॉर आवरसेल्व्स राइट बट इट वाजंट लाइक दैट फॉर Areej Maybe if she steps out of that. So we're talking about someone जो कि उसी एक दायरे में है और उसकी कहानी उसी दायरे में रहेगी हम तो उससे कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे You get it? तो अब मुझसे अगर कोई सवाल पूछता है ना कि अच्छा इस तरह की कहानियाँ आप स्क्रिप्ट में क्या देखती हैं तो मैं आई एम स्पीचलेस देन मैं बाकी देखती हूँ मैं स्क्रिप्ट में क्या देखती हूँ बिकॉज मेरे पास एक ही तरह के स्क्रिप्ट आ रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू उसके बाद फिर मैं सिर्फ यही देखती हूँ कि हु इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप
एंड वो क्या एंगल पकड़ेंगे बिकॉज योर कैप्टन ऑफ द शिप कैन मेक इट और ब्रेक इट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. ठीक है, वो उस कहानी का जो है एक बुरा एंगल भी दिखा सकते हैं और एक अच्छा एंगल भी दिखा सकते हैं. सो यू नेवर नो हाउ जलन वॉज ऑन पेपर एंड हाउ इट्स बीइंग शोन नाउ. ट्रू ट्रू. अगर आप एज अ व्यूअर बाय बैठ के देखिए आपको लगता है फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन आपको लगता है अमर को सजा थोड़ी सी तो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए. है ना, कुछ ना कुछ तो अमर को थोड़ा सा फाहद मिलनी लाइक राविया. अब यहाँ पे हम एक्टर्स के हाथ बंधे हुए हैं ना, यहाँ पे वी कांट लीव आइडियाज देने. सो इस सारी चीज का कन्वर्सेशन का मकसद हाजरा ये होता है, इट्स नॉट कि मैं आपको नो बट यू आर एब्सोल्यूट आई एम लविंग दिस. मैं कह रही हूं कि मे बी अगली बार जब स्क्रिप्ट लिख रहे हो जो इस मूवी टीम के प्रोजेक्ट और जो लोग वो सोचे थोड़ा सा कहीं अमर को भी तो पकड़ना चाहिए. आई एम विद यू ऑन दिस, नॉट जस्ट अहमर बट ऑल ऑफ दीज मेन जो कि जिनको आप बाद में हीरो बना देते हैं, क्योंकि आप लोग नेगेटिव कैरेक्टर्स जो फीमेल्स के होते हैं आप उनका तो एंड कितना बुरा दिखाते हैं, एक व्हील चेयर पे आ गई, एक जल गई, एक ये हो गया, एक वो हो गया. मतलब ये सब हमें याद है कि फीमेल कैरेक्टर्स के साथ ही सब कुछ हो जाता है और फिर वहाँ कहानी खत्म हो जाती है. हमने कितनी कहानियाँ ऐसी देखी हैं जहाँ पे द मेल एक्टर्स उनको द मेल कैरेक्टर्स उनको सजा मिल जाती है बट फिर उनको सब माफ भी कर देते हैं और फिर सब कुछ उनको वो प्रिविलेज वापस उनकी प्लेट में चेरी ऑन टॉप करके वापस भी दे देते हैं. So it's very important कि हम conversation तो start करें, शायद कोई सुन ले, शायद कोई change हो जाए. This is so you see this is what I believe in के बात करना ना छोड़ो. मैं तो बात कर रही हूँ, बड़ी bashing भी होती है बट कर रही हूँ. No, होने दे, होने दे. I think this is what responsible journalism is. ठीक है, you're fulfilling your responsibility. So that's the thing कि बात करनी बहुत ज़रूरी है और मैं हर जगह बात करती हूँ इस चीज़ के बारे में and I don't care who's getting uncomfortable. You either want to sit in the room and be a part of this discussion, don't say anything but listen to it. Yeah. I deserve that much. Yeah. So yeah. True, true. ये बताएं सबसे memorable moment जलन का. जलन का क्या है? For me, so we're big on food. All of us. ठीक है. तो मैं, फहद, आबिस भाई, मायरा जो मेरी भाभी बनी हुई है उसमें. She did it such an amazing job. I don't know कोई वो क्यों नहीं करी है काम, कहाँ है वो बल्कि such a powerful actress. तो हम लोग हर वक्त जो है ना हर सीन के बाद हम लोग सिर्फ खाते थे. फहद कुछ मंगवाता था कच्चा गुल्ला या कौन सी मिठाई होती है एक वो ढाका स्वीट से जो है ना एक मिठाई मिलती है सफेद रंग की, वो कोई किसी तरह की कोई चीज होती है. ओके, आई थिंक मैंने खाई थी बट मुझे उसका नाम याद नहीं और कच्चा ढाका टाइप कोई नाम तो नहीं पता मुझे. डब्बे खत्म किए एंड स्टिल आप ऐसे कैसे हैं फिर? नो ट्रस्ट मी आई गेंड वेट, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा. आई एम अ वेरी जज्बाती फूडी, मुझे गुस्सा आता है, मैं इमोशनल होती हूँ, जो भी होता है मैं खाना शुरू कर देती हूँ. एंड आई ईट मीठा एंड आई ईट देसी फूड, देसी मीठा मतलब गाजर का हलवा, गुलाब जामुन का हलवा, हाँ यू नेम इट. ओके, तो मतलब आपके लिए तो बड़ा सीजन आया हुआ है फिर. गाजर का हलवा कहाँ का पसंद है, कैसा पसंद है, वो खोए के साथ या? हाँ वो मुझे ड्राई नहीं पसंद. उसके अंदर खोया होना चाहिए या फिर अगर घर पे पड़ा हुआ है, अगर ओवरनाइट हलवा है ना तो उसमें अगर आप थोड़ा सा अंडे मिक्स करके तो उसको पकाओ. वाओ, आई नेवर न्यू दिस ट्रिक. ओ प्लीज. तो क्या बस गाजर का हलवा लेके उसके ऊपर उसके अंदर अंडा डालें और उसको पकाएं, तेजी से घुमाएं जैसे भूनते हैं वैसे. मैं ये ट्राई करूंगी. टू गुड. और फिर मैं बताऊंगी कि कैसा. टू गुड एंड डोंट फील यू नो बैड अबाउट आस्किंग मी ऑल ऑफ दीस क्वेश्चंस बिकॉज़ दीस कन्वर्सेशंस आर इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव इन देम. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, अब आते हैं हम नहीं उससे पहले कोई फैन रिएक्शन ऐसा मिला जब से ये रोमांटिक स्टोरी स्टार्ट हुई अहमद और अरीश की के जिसको पढ़ के बड़ा मजा आया, हैरान हुई या कुछ शेयर कर सकती हैं? मेरे और फहद के ऊपर हम पे मीम्स बहुत बने हैं ना, और फहद ही कितने सारे वो शेयर कर रहा होता है मीम्स वगैरह. आई डोंट रियली रिमेम्बर कोई एक एग्जैक्ट, लेकिन ये है कि हाँ हमारे मीम्स बहुत बने और फहद की बहुत बैशिंग हुई है तो ऑडियंस काफी हद तक सैटिस्फाइड थी जब अरीज का मुंह फटा. तो या कोई कमेंट पढ़ा हो जो याद रह गया या डीएम हुआ मैसेज को आया? पीपल आर जस्ट गिविंग अस सो मच लव. पीपल आर गिविंग अरीज सो मच लव. इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम हेट, इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम मीन कमेंट्स like what is Arij doing, you know this you how she's being is so unnecessary. So I said that yes yaar hai. That's when as an actor I was just waiting ke yaar
what is it gonna be next for a read. थोड़ा सा उसको हो रहा था आपको भी कि क्या किया मैंने, because I think एक review में तो मैंने ये भी पढ़ा कि हाजरा अपने talent को waste कर रही हैं by doing this role. मैंने ये भी कहीं पढ़ा. मतलब as long as you are a practicing actor, your talent is never wasted. Okay. Yeah, I don't think your talent is ever wasted as long as you're utilizing it somewhere. Because it's बड़ी मतलब आपने अपनी तरफ से गेस्ट अपीयरेंस ली लेकिन इट टर्न्ड आउट इनटू समथिंग सो बिग एंड आप फिर आपको उस वक्त जब शुरू में इतनी नेगेटिविटी हो रही हो तो थोड़ा मुश्किल होता है. मैं पहले दिन गई तो लगता है कि यार ये क्या मतलब यू नो. हालांकि फहद इज एक्चुअली द वन हु फोर्स्ड मी टू डू दिस कैरेक्टर. मेरा फहद वाज शूटिंग उस वक्त जलन के लिए ही और उसी वहीं पर मेरी मीटिंग थी आविज भाई लोगों के साथ. तो फहद वाज लाइक हाजरा कर लो मैं बता रहा हूँ. ही हैड रेड द एंटायर स्क्रिप्ट आई थिंक. अच्छा उनको आईडिया था. हाँ मैंने कहा फहद दिस इज फॉर यू. सो या फहद दिस इज फॉर यू. आई लव द गाय. उफ मेरा बहुत प्यारा दोस्त है वो. दैट्स सो नाइस. अच्छा नाम क्या रखा. हाँ आई लव द I love your acting in it. मैं शॉर्ट फिल्म्स की फैन नहीं हूँ बिकॉज बीच में ना एक वो लटका के छोड़ देते हैं मुझे लगता है. ओपन एंडेड. हाँ मुझे वो स्टोरीज सॉरी मैं बड़ी ओल्ड फैशन ट्रेडिशनल हूँ मुझे और थोड़ी टिपिकल हूँ. मुझे लगता है स्टार्टिंग हो और फिर एक एंडिंग हो. या तो मर गए या जी गए या कुछ भी हो गया सैड या यू डोंट वांट एनीथिंग टू थिंक अबाउट लेट एट नाइट. रात को 3 बजे नहीं जागता कि उस कहानी में आगे क्या होगा. बिकॉज मैं कैरेक्टर्स के साथ आई थिंक रिलेट करना शुरू कर देती हूँ या मैं कनेक्ट कर लेती हूँ. मैं उनके लिए फील कर रही होती हूँ. कल मैंने फिल्म देखी मैं रो रही थी कसम से. मेरे घर वाले आके देख रहे थे इसको क्या हो गया. मैंने कहा तो पागल है इसको छोड़ो ना. तो देयर वाज अ मूवी दैट आई वाज वाचिंग. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे फिर मुझे लगता है इनकी मुझे एंडिंग पता चलनी है. आई या तो वो खुशी मुझे मिल जाए या कुछ भी हो. तो लेकिन मैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ और अभी भी कह रही हूँ अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए हाजरा एंड फहद की मूवी की शॉर्ट फिल्म. आई लव्ड योर एक्टिंग इन इट. आई जस्ट लव्ड इट. यू नो यू वर सो गुड. मतलब मुझे इतना मज़ा आया सिर्फ just to see you perform. So what was your inspiration? Kya inspired ki aapko wo 19 minutes ki hai but you made an impact and maine dekha views bahut badh rahe hain uske na. We just crossed a million. Mubarak mashallah. I know I'm so andar se laddu phoot rahe hain. Yeah but I think for me I'm a director's actor. Okay theek hai aur mujhe bas ye chahiye hota ki I just mujhe मैं अपना होमवर्क करके आती हूँ घर से वो सब कुछ है. बट मैं एक बैक स्टोरी के बगैर और व्हाट द डायरेक्टर हैज़ इन इट्स माइंड. सो आई एम एन एक्टर हु आस्क्स वे टू मैनी क्वेश्चंस. और मैं ये हर डायरेक्टर को काम करने से पहले बता देती हूँ कि सर मैं आपको बहुत तंग करने वाली हूँ. तो सम डायरेक्टर्स रियली अप्रिशिएटेड एंड सुहेल सर्टेनली डिड. तो उन्होंने सब बस मुझे ये कहा था कि उन्होंने लिखा भी था एक स्टेटस में कि दिस इज एन ओड टू गुलजार फॉर इजाजत. तो उन्होंने कहा कि आई एम जस्ट गोना से वन थिंग कि रेखा फ्रॉम इजाजत. मैंने कहा अच्छा. तो मैंने रेफरेंस दिया मुझे. बट मैंने कहा कि यार बट दिस इज़ नाउ द मॉडर्न गर्ल जहरा. तो उसको मैं किस तरह से ब्लेंड वो करूँ. सो फिर जब हमारी बात हुई हमारी रिहर्सल हुई उन्होंने कहा वी आर टॉकिंग अबाउट अ वुमन हु इज़ वेरी मच कंटेंट विद हर लाइफ एट द मोमेंट. इज शी रियली. या जैसे वो आगे जाके कहती भी है कि जो है मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करूँगी. ओके. या सो ऑब्वियसली वो वाली चीज़ है कि यू नो हाई स्कूल स्वीट हार्ट वो वाली चीज. एंड शी लव्ड दिस गाय टू द पॉइंट के द चाइल्ड इज नेम आफ्टर हिम. एग्जैक्टली. और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक्चुअली खड़े हो रहे हैं उस पर लास्ट सीन पे जब फैजान की एंट्री होती है द हस्बैंड. और वो कहते हैं कि कोई हस्बैंड ये तो बर्दाश्त नहीं करेगा. ही नोज हु दिस गाय इज. बट दैट्स द थिंग कि बहुत कम लोग ये बात समझे. बट आई एम ग्लैड कि जिन्होंने भी समझी वो बेशक कम थे. नो मैटर. But the fact ke that person knows what his position is. Yeah. He's very secure. Wo secure hai. Usne kaha bhai tum to past ho mere paas hai abhi. Aur so he respects that. And to be honest with you all of us have our own love story from the past. Theek hai. To I think ye wo wali cheez hai. It's just a bunch of people who are very much content with where they are in their life right now. So obviously I'm still friends with you know my first that I thought was love. So it's you know it's bitter and sweet. Shayan naam tha na. Shayan. हाँ उसमें लेकिन Shayan को तो परेशान छोड़ के चली गई थी. वो zoomed out करके वो बेचारा
बिकॉज अगर वो मुझे लग रहा है कि रिकवर करने भी वाला था तो वहाँ रुक गया बेचारा. अगर आपने नोटिस किया हो, ज़हरा वाज थ्रू आउट द विलन फॉर हिम बिकॉज ही वाज लाइक तुमने तो लिंक ही नहीं रखा, यू एंडेड द रिलेशनशिप, यू एंडेड अप मैरिंग समवन एल्स. नाउ फिर जब ये वाली हर चीज होती है, बिकॉज ही ऑलवेज थॉट कि ही लव्स हर वे मोर देन शी एवर लव्ड हिम, बट दैट्स द थिंग के वेयर सर्कमस्टांसेस एंड आवर पेरेंट्स एंड आवर कल्चर, वो वाली चीज जब बीच में आई तो फिर शी गेव इन, बट दैट डज नॉट मीन कि शी फॉरगॉट अबाउट हिम टू द पॉइंट कि शी नेम्ड हर चाइल्ड आफ्टर हिम. So you were saying कि रेखा से इंस्पायर होकर आपने किया ज़हरा को, तो फिर क्या थोड़ी बहुत चेंजेस क्या किए? मैंने ऑनेस्टली उससे मैंने उनका जो वो था कि वो सोच कुछ और रही है, दिल में कुछ और बात है लेकिन बोल कुछ और रही है, और मे बी टॉकिंग इन सबटेक्स्ट, ओके वो वाली चीज़ है टू द पॉइंट के एंड में. फिर वो कहती भी है कि इस बार लिंक में रहूंगी, यू नो, तो बिकॉज देन शी इज लाइक सो नाउ यू नो I'm not the villain in the story anymore. Now you know. Okay, it was never just you. I was, you know, a part of it as well. I also have to admire you कि वो चेंज जो स्विच ओवर होता है वो शायान के कैरेक्टर के साथ खड़ी हुई हैं तब तक उसके आते हैं, बट जैसे ही उनका हस्बैंड आता है शी स्विचेज ओवर. लाइक आई नोटिस कि उनकी और उसके हस्बैंड की केमिस्ट्री कितनी natural thi. She didn't have to make an effort. Wo mujhe bahut aapka switch and she was very secure. Very secure. Usme bhi usko koi guilt nahi tha, koi ekdam se ghabrahat nahi thi ki wo main to Shayan apne you know jaise hota hai guilt fazool mein dikha dete hain, halanki koi guilt ki baat hai nahi. He is someone from the past. Wo kehti a very dear university friend. You know, so wo pura jo get up tha wo kya soch ke rakha tha, kyunki mujhe laga ki jab aap kar rahi hain to aap jis tarah utti thi wo karti thi because pregnancy ka wo jo bump tha wo itna pronounced dikha किया था कि उसको हम इतना करेंगे कि यू एक्चुअली फील अनकंफर्टेबल गेटिंग अप एंड मूविंग अराउंड एंड एवरीथिंग. और एक्चुअली इवन व्हेन आई डिड गेट कंफर्टेबल तो सुहेल रिमाइंडेड मी यू आर प्रेग्नेंट. ओके ओके ओके. क्योंकि वो मुझे जो अनकंफर्ट जो उसकी जो अनकंफर्ट था ना मुझे वो दिल से नहीं, विच अगेन गोज कि आपने बड़ी अच्छा उसको डिलीवर किया, लेकिन मुझे लगा कि पूरा वो जो गेटअप था इट एडेड टू द होल scenario of making us feel ke uski kya is waqt halat hai and how she was using that baby bump as a protective shield and wo apna haath hai ki apne aap ko bhi apne aap ko bhi tasalli de rahi thi. So that was uska credit actually bahut had tak actually sara credit suhail ko jata hai, but ye ki he really helped me throughout, kept reminding me to stay in character, kept reminding me about the subtext and what zehra is really thinking throughout and the fact ki how you know wo khud bhi bataye the ki kis tarah se uthna baithna hai when you are pregnant or kya karna kya nahi, so he kept reminding me. Ab in sab se mud kya pa gayi hai beadab pe, yeah hai na, kya contrast hai. I mean so that was intentional. Because dil ki ab jo hai na wo Areej aur Zehra aur wo sare aur wo kar kar ke aapne kaha bas yaar bahut ho gaya ab I'm going to give it back, hai na. Yeah so hum wo bhi tha. Acha, I don't do a lot of negative characters because I always believe कि ना ह्यूमन बींग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, शेड्स होते हैं बेसिकली, बट यहाँ पे नेगेटिव को बिल्कुल ही नेगेटिव और फिर यू नो वो एक्टिंग अजीब सी करवा देते हैं. तो शहजाद भाई से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हाजा आई जस्ट वॉन्ट यू टू एक्ट ह्यूमन बिकॉज यू नॉट आउटराइटली नेगेटिव राइट नाउ टिल नाउ कि यू आर अ नॉर्मल पर्सन. ठीक है, तो मैंने कहा बस सही है. तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ बिकॉज ही मेड मी डू इट सो नेचुरली. उन्होंने कुछ एडेड जेस्चर्स वगैरह उससे हाँ कि मुझसे नहीं करवाए. It's not just that, the role भी जो है मैं डिबेट कर रही हूँ अभी तक कि किस तरीके से exactly. लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या हम इसको टर्न आउट विल इट टर्न इनटू अ टिपिकल इवल बहू वाला कैरेक्टर या हम थोड़ा दिखाएंगे कि दो लोग जो इतने डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं उस लड़की की जो इनसिक्योरिटीज हैं वो नेचुरल तरीके से प्ले आउट हम क्या किस ट्रैक के लिए अपने माइंड को तैयार रखें. लिटिल बिट ऑफ बोथ बोथ लेकिन कहीं पे आपको लगेगा कि हमने सरेंडर किया है टू द पार्ट वेयर एक्ट्रेस कैन नॉट से एनीथिंग, वेयर द डायरेक्टर कैन नॉट से एनीथिंग, जहां पे हाजा ने अपने आप को चुप कराया, बड़ी बड़ी टेपें लगा, बड़ी बड़ी टेपें लगानी पड़ी, रीजन बीइंग के रेटिंग के हम सबको लगता है कि अगर हम ये दिखाएंगे तो रेटिंग ज्यादा आएगी तो वहाँ पे हमें चुप रहना पड़ा. बट अभी तक कैसा रिस्पांस आ रहा है? अभी तक डिसेंट टू बी ऑनेस्ट विद यू. मेरा सिर्फ ये था कि यार आई जस्ट वांट टू डू दिस कैरेक्टर. सो व्हाट मेड यू पिक इट अप? शहजाद कश्मीरी सानिया से. ओके या
या मतलब द फर्स्ट फ्यू मिनट्स जब मेरा सानिया जी के साथ पहला सीन था, मैं बस उनको देखती जा रही थी और कुछ कर ही नहीं रही थी, क्योंकि वो जो है दैट वुमन इज लाइक चलती फिरती प्यार की पुतली है, वो इंस्पिरेशन है, इतना वो प्यार देती हैं. अच्छा, ओहो, शी इज़ अ स्वीट हार्ट. मैं तो फैन हूँ यार, मैं उनका काम देख के बड़ी हुई हूँ. मैंने कहा यार आई कांट बिलीव इट. तो इट वाज अमेजिंग. एंड फरियाल इज़ वेल, रेहान शेख, अमेजिंग कास्ट, बहुत अच्छी टीम टू वर्क विद. फरियाल हैज बिकम सच अ नाइस, सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो या बट इस पे इंशाल्लाह हम बाद में डिटेल में बात करेंगे जब थोड़ा सा और. अभी जिस टाइम पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं बेअदब बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है. एंड आई टोल्ड हाजरा से मैंने वादा लिया कि आएंगी दोबारा थोड़ा तब हम इनको फिर थोड़ा सा ग्रिल करेंगे. Done. तब हम पे ज्यादा होगा कि ऐसा क्यों किया, सास को जहर क्यों नहीं दे दिया, डायरेक्टली मार देती हैं या कुछ अगर हुआ तो. आई डोंट नो. सो वी विल जस्ट टच अपॉन एहदे वफा. क्या जबरदस्त प्रोजेक्ट था. जबरदस्त. लेकिन अफसोस होता था कि रोल थोड़ा सा छोटा था या यू न्यू कि इतना ही है. मुझे पता था कि इतना ही है और मुझे बस ये था कि जो है चलो एटलीस्ट एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज बन रही है जिसमें सिर्फ ये नहीं दिखा रहे कि लड़का कह रहा हूँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ. लाइक द मैन इन द स्टोरी एक्चुअली हैड अ स्टोरी, यू नो, दे वर नॉट जस्ट द वुमेन आल्सो, द वुमेन एज वेल, एंड द कपल इटसेल्फ हैड ऑल फोर कपल्स, ऑल फोर कपल्स हैड देयर ओन स्टोरी. हां, और वो वाली चीज थी. और एक लड़कों की तरह से एक इमोशनल एंगल भी दिखाया, यू नो, जैसे अहमद अली के कुछ सीन्स बहुत अच्छे लगे. वेरी 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 फाइन एक्टर. तो या उस हिसाब से वो सीन जहाँ पे वो रोड पे खड़े होके आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, आसान था उसको रिकॉर्ड करना या कितनी टेक्स हुई या क्या? वो लोग आ जाते होंगे वाला जो सीन था, नहीं, जहाँ से इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है कैरेक्टर, वो एक्चुअली पूरी रोड ब्लॉक की हुई थी. अच्छा. हाँ, तो द एंटायर रोड वॉज ब्लॉक्ड, तो उस वजह से काफी आसान हो गया था. बट ये है कि वो मेरा बिल्कुल पहला सीन था उस कैरेक्टर. अच्छा, वो वैसे भी पहला सीन था. पहला सीन था और मुझे था कि यार रिहर्सल भी नहीं हुई भी थी, कुछ भी नहीं हुआ था, फिर कुछ भी नहीं हुआ था, बस मैं पहुंची हूँ. उन्होंने कहा चलो 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 खड़े बाइक पकड़ा दिया और बस कर लिया. बाद में मैंने सैफी भाई का सर खा लिया था. हाँ? का बॉस दोबारा करना है मुझे, हमने रिहर्सल नहीं की. मैं कहा निकाल लूंगा हो गया. मैंने कहा ओके ठीक है. पहला सीन. कोई मजे का वाकया हुआ दैट यू कैन शेयर विद अस फ्रॉम द सेट्स ऑफ एहदे वफा एट दैट टाइम? सो एवरी सिंगल टाइम हम लोग सब जब इकट्ठे होते थे तो वी वुड गो आउट फॉर डिनर, व्हिच वी डिड. मेरे होते हुए एक बार तो हुआ था कि ऑल ऑफ अस वेंट आउट, बट पूरी कास्ट. हां, ऑल ऑफ अस. बड़ा मजा आया होगा. अहद और रिलीजो इसमें मिसिंग थे, बट हम बाकी सब इस्लामाबाद में थे, शूट करे थे, तो वी वेंट आउट फॉर डिनर. ये हुआ था. इसके अलावा इट वॉज वेरी कोल्ड, इट वॉज वेरी 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 कोल्ड. और ऐसा ऑनेस्टली मुझे वो कोई एक वाक्य नहीं पसंद, लेकिन वहाज हंसाता बहुत है सेट. अच्छा. ओहो, उसकी मतलब जोक्स कुछ तो ऐसी होती है कि मैं कहती हूँ हाज तुमने बोला क्या है और तुम कहाँ से लाए हो. और कुछ होती है कि मतलब यू नो यू जस्ट बर्स्ट आउट लाफिंग एंड यू जस्ट तो फिर वो मतलब शूट करते हुए सीन करते हुए मुश्किल होता है बिकॉज हंस हंस के पागल हो रहे होते होंगे आप. हाँ, और मतलब और सैफी भाई भी करने देते थे, वो मुझे कहते थे ये जो अभी हंस रही हो ना, मैं अभी एक्शन बोलूंगा तुमने ऐसे ही हंसना है. ओके, सही है. तो वैसे ही हमारे हंसते खेलते सारे सीन्स रहते थे. तो इट वाज वेरी नाइस. या वर्किंग विद वहाज वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. और बाकियों के साथ किस सैफी साहब के साथ कैसा? इट वाज नाइस, इट वाज प्रीटी गुड. सो देयर वाज एनी डिटेल गिवन टू यू कि आपका कैरेक्टर एहदे वफा में ऐसा होना चाहिए, कुछ आपको वो पता? उन्होंने बस मुझे कहा था कि शी इज अ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग गर्ल और शी इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मशरकी लड़कियां दैट वी शो इन ड्रामास. तो मैंने कहा सही है, ठीक है. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल और बिकॉज शी वॉज अ जर्नलिस्ट. और टू बी ऑनेस्ट विद यू, थोड़े से दिन थे बिल्कुल और वही हुआ था. एक दिन पहले कॉल आई एंड देन आई हैड टू ट्रैवल द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर दिस. तो इट वॉज रियली नाइस दैट वे. आई जस्ट सैफी भाई ने मुझे यही कहा था कि मुझे पता है कि तुम कर लोगी, जस्ट कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल बिकॉज दिस कैरेक्टर इट सेल्फ इज़ वेरी रियल एंड वेरी रॉ. So, इसके अंदर कुछ बनावटी मत डालना. तो मैंने कहा सही है. तो इस हिसाब से बस आई केप्ट माई सेल्फ अथॉरिटेटिव. और हमें बड़ा मजा आया आपको देख के. थैंक यू. मुझे वो कैरेक्टर करते हुए एक्चुअली बहुत मजा आता है. एंड आई थिंक इनको ज्यादा करियर ओरिएंटेड और खुश लड़कियां दिखानी चाहिए. शी वाज वेरी क्लियर. या शी वाज वेरी क्लियर हेडेड टू द पॉइंट. आपने देखा नहीं कि कोई लव स्टोरी उस तरह निकल के नहीं आई दोनों कैरेक्टर्स की.
it was very subtle, very wise love story, very too. Wise yeah. us tarah wali so and both of them very much focused on their careers. So are you shooting anything else right now? Are you working on any other project other than Beyond? I'm working with iDreams. Unke saath ek Mohsin Mirza ka project hai. I'm working with Ali Abbas, one of my favorite co-actors. Oh, he's also ka nakabzan bhi nakabzan bhi tha aur Ali again. इतना मजा आता है। So which one is this? अभी हम बता बात कर सकते हैं ड्रामे का नाम या called मेरे अपने। अच्छा। Yeah. The title for now is मेरे अपने directed by Mohsin Mirza. तो अभी shoot चल रही है। Shoot चल रहा। अभी आजकल break आया है, spell खत्म हुआ है, so we're gonna start shooting again soon. But yeah, it's a lot of fun. So you and Ali Abbas are the main. Yeah, और भी काफी बड़ी cast है। There's Zoya Nasir, there's Waseem Abbas. Okay. It's Humaira Bano, there's Ares, Zainab Shabir. So what will we expect from this? What kind of a story it is? It's a family, ghar ki kahani hai, to be very honest with you. Literally ghar ke andar ki kahani hai. और वही मेरी और अली की लव स्टोरी चल रही है एक जगह एक लव स्टोरी चल रही है एक जगह दूसरी लव स्टोरी चल रही है सो अ लाइट फैमिली ड्रामा वो वाला सीन है एंड अली अगेन इज यू नो इज अ रियली गुड फ्रेंड एंड लाइक वो वाले दोस्त जिनको जिनसे मैं पर्सनली भी लाइक वी स्टे इन टच throughout कोई प्रोजेक्ट आते कुछ आते पहले अली को कॉल जाती है अली समझ नहीं आ रहा कि करूं या ना करूं रियली या या ओके ही इज दैट फ्रेंड वो पूरा एनालाइज करते हैं डाइसेक्ट करते हैं हां हां कि ये करो इसके ये प्रोस एंड कॉन्स वेरी सपोर्टिव वेरी सो व्हाट डिड ही से अबाउट डूइंग जलन ही लाइक वही उसने कहा कि करो उसने वही कहा कि बिकॉज़ I personally like working with Big Bang. I started working with Big Bang actually. Okay. उसके बाद फिर ब्रेक आ गया था. Special place है उनके लिए. हाँ, तो उनके लिए एक special place है और जब भी call करते हैं मैं कहती हूँ यार why not? These are the people who gave me work when I entered the industry. So anytime for them. That's true. So yeah. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बड़ा मज़ा आया आपके साथ गप लगा के और अच्छी मज़े की गुफ्तगु रही आई थिंक मुझे लग रहा है आपके साथ बैठने का यही मसला होता है बड़ी जल्दी बात है नॉट अ सिंगल डल मोमेंट हाँ आई होप सो एंड आई होप द ऑडियंस इज ऑल्सो एंजॉय टू सी टू हेयर समथिंग फ्रॉम अरीज हर स्टोरी एंड हर साइट एंड द फैक्ट आई एम हाजरा नॉट अरीज और एनी अदर कैरेक्टर आई एम हाजरा ओके टू सी मी एज हाजरा नॉट एज अ कैरेक्टर तो बैशिंग कम क्या करें आप मेरे लिए भी है मैं उधर से खड़ो के अपने आप को भी देखूं नहीं थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक विद ऑल योर प्रोजेक्ट्स एंड हम देखते हैं बेअदब में आगे क्या होता है डन थैंक यू सो मच याद याद तेरी नाल नाल